विधानसभा ऑफ न्यूयॉर्क इन सबसे यही अपील कर रहे हैं कि 22 सितंबर को यूनाइटेड नेशन के उस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर हम इसी तरह से इकट्ठा होंगे और मोदी को सवाल करेंगे कि भारत में हमारे लोगों को तू पीटता है और यहाँ पर आकर सारी बातें झूठी बातें बताने आता है। मोदी को नंगा करने का काम हम विश्व में जाकर करेंगे, ये काम हम लोगों को करना होगा। भारत का लोकतंत्र पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। भारत का पिलर चार पैरों के ऊपर खड़ा है, चार पैरों के ऊपर। पहला पिलर है भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। पहला पैर है हमारा जुडिशरी, दूसरा पैर है एडमिनिस्ट्रेटिव, जहां पर हमारे आईएएस ऑफिसर बैठते हैं। तीसरा पैर है भारत का मीडिया और चौथा पैर है भारत का संसद। इन चारों पैरों पर बीजेपी आरएसएस हावी हो चुकी है। संसद में तो पूरी तरह से वो लोग मेजोरिटी में है। मेजोरिटी का मतलब आप लोगों को ये फैसिज्म लाने का अधिकार नहीं है। मेजोरिटी का मतलब आप लोगों को माइनॉरिटीज के ऊपर, रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का अथॉरिटी नहीं है। पूरा संसद आरएसएस ने काबिज कर लिया है। शपथ ग्रहण के दिन जय श्री राम के नारे संसद में लगाए जा रहे थे। ये अभी भारत का संसद नहीं, धर्म संसद हो गया है। दूसरा पिलर भारत की न्याय व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस, टॉप मोस्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के हाई जजेस सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आए और सारे प्रेस वालों को बुलाया और प्रेस वालों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस जोसेफ, जस्टिस चिलामेश्वर, जस्टिस गोगोई क्या कहते हैं पता है? भारत का लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाओ। देखो पाकिस्तान का सबसे छोटा कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने मुशर्रफ को शिक्षा दी। भारत पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को दंडित कर सकता है, लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा। यानी सुप्रीम कोर्ट के हाथ से पूरी तरह से ताकत इन लोगों ने खत्म कर दी है। और मीडिया, मीडिया तो हमारा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। जी न्यूज हो, आज तक हो, कोई भी चैनल लगाओ, सिर्फ मोदी और अमित शाह, मोदी और अमित शाह। हमारी कहीं पर भी मीडिया में खबर नहीं है। मीडिया का पूरा पैर आरएसएस बीजेपी ने काबिज कर लिया है। और आईएएस हमारे ऑफिसर्स, हमारे बच्चे दिल्ली में, भारत के कोने कोने से दिल्ली में जा रहे हैं, पांच पांच साल यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं और सब जाकर आईएएस बन रहे हैं। अभी भारत सरकार ने यूपीएससी से, परीक्षाओं से आईएएस बनाना छोड़ दिया है। अभी डायरेक्ट इंटरव्यू से शर्मा, तिवारी, त्रिपाठी आईएएस बनाए जा रहे हैं। हमारे बच्चे अभी आईएएस नहीं बन